अब मैंने सोचा नहीं था यार, मेरे लिए फर्स्ट टाइम, मतलब मेरा पहला ऐसा कुछ एक्सपीरियंस है कि अपनी बहुत पसंदीदा चीज़ को मतलब किसी और के हवाले कर रहा हूँ। सच में सोया नहीं हूँ, पता है मैं इस वजह से ही सोच सोच के यार, मेरी गाड़ी जा रही है। मेरे को नहीं था यार, बिल्कुल भी नहीं था इसको जाने का, भेजने का। बाय बाय गुड़िया, हेलो। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग, और होप करता हूँ सभी अच्छे होंगे। सो यार, थंबनेल और टाइटल देख के तो पता चल ही होगा ये व्लॉग किस चीज़ के लिए, मतलब किस चीज़ पे है। तो मेरे को मतलब मजबूरन कुछ चीज़ों को देखने के बाद ये स्टेप लेना पड़ रहा है कि मतलब हाँ, मेरी गाड़ी जा रही है। और मेरा ऐसा था नहीं कि मैं मतलब मेरे को गाड़ी भेजनी थी या बेचनी थी, तो मेरा बिल्कुल अंदर से था नहीं। मेरी काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट्स हैं इस गाड़ी से, बहुत ज़्यादा लगाव है इस गाड़ी से, तो मेरे को बिल्कुल नहीं था ऐसा। बट अनफॉर्चुनेटली कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं, तो मेरे को ये चीज़ करनी पड़ रही है, बेचनी पड़ रही है। तो आज लास्ट डे है, मतलब अब जा ही रही है गाड़ी। तो मतलब दिल ऐसा बैठा बैठा हो रहा ना, काफ़ी दिनों से था कि हाँ ये इस तारीख को जाएगी, 2021 को जाने वाली है। तो अंदर से हो रहा था कि यार काफ़ी सैड मोमेंट है मेरे लिए, और ऐसा मेरे साथ ज़्यादा कभी हुआ नहीं। और गाड़ियों से तो मेरा इतना गंदा लग रिश्ता है ना, कि मतलब इतना गंदा लगाव है ना, जो मेरे को अच्छे से जानते हो उन लोगों को पता होगा मेरे को गाड़ियों से कितना ज़्यादा प्यार है। मेरे को नहीं था बेचने का, बट फिर भी मेरे को करना पड़ रहा है, ये चीज़ से स्टेप लेना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, थिंग्स हैपन फॉर समथिंग गुड रीजन्स, तो कोई नहीं। अभी फ़िलहाल सुबह के जल्दी उठे ही हैं हम लोग, मैं तो सोया ही नहीं। कल रात का व्लॉग एडिट करके अभी बस अपलोड पे लगाया, और मेरे को ये गाड़ी मतलब भारी भेजनी पड़ रही है। पंजाब नंबर था तो मेरे को पंजाब ही भेजनी पड़ रही है। तो वो लोग जिनको मैं सेल कर रहा हूँ, जहाँ भी जा रही है डीलरशिप वगैरह में, तो वो लोग रात में ही निकल गए थे गाड़ी लेने के लिए, तो वो सुबह जल्दी बस पहुँचने ही वाले हैं थोड़ी देर में। तो अभी गाड़ी में कुछ सामान बचा था, तो पहले वो लेकर आता हूँ निकाल के, बाकी एक छोटी सी लास्ट राइड लेकर आते हैं गाड़ी की। मिलता हूँ आपसे। भाई मैं इतना ज़्यादा मिस करूँगा ना इस गाड़ी को, लिटरली मतलब इतने ज़्यादा मेरे, मतलब इतनी सारी मेमोरीज है मेरी इस गाड़ी के साथ। एक साल रही मेरे पास ये गाड़ी, बट फाइनली इसे गुड बाय बोलने का टाइम आ चुका है। और सोया नहीं हूँ, पता है मैं इस वजह से ही सोच सोच के यार, मेरी गाड़ी जा रही है। मेरे को नहीं था यार, बिल्कुल भी नहीं था इसको जाने का, भेजने का। सोचा था ऐसे हमेशा रखूँगा अपने पास, बट कोई नहीं, होता है ठीक है। बाकी यार अब जो ये सामान बचा है भाई गाड़ी का, पेपर वगैरह भाई अपने पास रख लेते हैं पहले। सो गाइस, अपनी रानी की लास्ट राइड लेने आ गए भाई, लास्ट ड्राइव भाई। सच में ये एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा मतलब ऐसा हो जाएगा, मैंने सोचा नहीं था यार, मेरे लिए फर्स्ट टाइम, मतलब मेरा पहला ऐसा कुछ एक्सपीरियंस है कि अपनी बहुत पसंदीदा चीज़ को मतलब किसी और के हवाले कर रहा हूँ। सच में भाई बहुत हॉरेबल है, मतलब बहुत ज़्यादा वो है। और मैं सच में बहुत ज़्यादा मिस क्यों करूँगा, क्योंकि भाई मतलब जो मेरे को एक्साइटमेंट थी ना जब मैं इसको लेने गया था, बस ये तब लॉन्च ही हुई थी, और मैंने एक हफ्ते में मतलब ज़िद कर करा के, मेरे को नोएडा नहीं मिल रही थी, मेरे को उत्तराखंड में कहीं नहीं मिल रही थी, मैंने ज़िद कर करा के भाई पंजाब ढूंढ ढांड के कि भाई हाँ रेंज हो जा रही है, तो वहीं के नंबर से फिर ली मेरे को, मतलब वहीं के नंबर से मेरे को लेनी पड़ी, बट मैंने ली सच में। और मेरे को मतलब इसका नया वाला लेटेस्ट वर्जन सबसे पहले चाहिए था, तो मैंने सच में बहुत जल्दी करी थी इसको लेने के लिए। मैं फर्स्ट 100 ओनर्स में से होऊंगा MG के, जो मतलब ये वाला फेसलिफ्ट जिन्होंने ओन करा होगा, आई गेस सो, बिकॉज सच में कहीं नहीं मिल रही थी। जिस डीलर से मैंने ये गाड़ी ली थी ना, उन लोगों के पास भी मतलब सबसे पहला ही लॉट आया था, सबसे पहली डिलीवरी उन्होंने मेरे को ही दी थी इस गाड़ी की। तो सच में मेरे लिए बहुत अलग एक्सपीरियंस था वो, और मैं रोया भी था यार जब मैं डिलीवरी लेने गया था ना। मेरे को उम्मीद नहीं थी मैं कोई ऐसी गाड़ी ले लूँगा, बिकॉज 2-3 साल पहले जब मैं था तो मैंने इतना कुछ नहीं सोचा था जो मैं गेन कर लूँगा अपनी लाइफ में, तो मैंने सच में कुछ नहीं सोचा था। और अचानक से ये चीज़ हुई थी, बिकॉज मैं सब जगह देख रहा था कि मेरे को थार लेनी, बट मैं वो ले नहीं पाया था, बिकॉज
बहुत ज्यादा कंजेस्टेड गाड़ी, बहुत ज्यादा छोटी गाड़ी हो जाती है, वो अंदर से स्पेस नहीं है उसमें, इस वजह से मेरे को काफी ट्रैवल करना होता, तो मैंने वो नहीं ली थी। मेरे को ऐसा हुआ था, मैं अचानक से गया था, मतलब सारी गाड़ियां मैंने देख ली थी, स्कॉर्पियो हो गई और हमारी हैरियर हो गई, सब गाड़ियां उस टाइम मैंने देख ली थी। एक दिन दिनी में ऐसे निकल के जा रहे थे, तो दिनी बोला चल एक बार MG की गाड़ी देख के आ। और वो टाइम ऐसा था कि मेरे को लाइक ये था कि उस टाइम मेरे को लगता था MG बहुत महंगी गाड़ी बनाती है, तो मेरे मतलब बजट में नहीं आएगी वो गाड़ी, ठीक है। तो हम ऐसे ही टहलने चले गए, और उस टाइम वो शोरूम दूसरी जगह शिफ्ट हो रहा था, तो उनकी गाड़ियाँ सारी बाहर खड़ी हुई थी, तो उन्होंने उनकी गाड़ी सारी ओपन थी, तो मैं ऐसी गाड़ी के अंदर बैठा, पुराने वाले मॉडल में बैठा था मैं, तो उसमें मैंने गाने प्ले करे, और इतना प्यारा साउंड इस गाड़ी का, सच में मेरे को ऐसा दिल पे भाग गया ना कि भाई मेरे को ये गाड़ी चाहिए। फिर उसके अंदर बैठ के एक्सपीरियंस वगैरह लिया, सारे मतलब प्राइसिंग वगैरह पूछी, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा मेरे को अच्छी लगी, मतलब मेरे बजट में आ रही थी गाड़ी। तो मैंने नया वाले फेस लिफ्ट पे मतलब जंप करने का सोचा एकदम से, तो उन्होंने कहा एक महीना, मतलब 1 से 4 महीने के वेटिंग में गाड़ी आपको मिलेगी। बट उस टाइम मेरे को ऐसा था कि मेरे को गाड़ी चाहिए 1 हफ्ते के अंदर, 10 दिन के अंदर गाड़ी चाहिए। मैं 27 तारीख को मैंने मतलब 26-25 को मैं गया था शोरूम नोएडा के, मैंने 2 दिन के अंदर पता लगाया सब जगह से, वो कहीं नहीं मिल रही थी। फिर मतलब मेरे कॉन्टैक्ट्स के थ्रू कहीं ना कहीं से मेरे को पंजाब में पता चल गया था उस गाड़ी का, तो मैंने कहा ओके लेट्स गेट द कार, और उन्होंने 1 हफ्ते में मेरे को डिलीवरी दे दी थी। 27 को मैं पहुंचा था, और उन्होंने 3rd Feb को मेरे को ये गाड़ी डिलीवर कर दी थी। बहुत अलग, उस दिन सच में मैं इतना गंदा रोया था ना जब मैं गाड़ी लेने पहुंचा था, वो वीडियो अगर मेरे पास होगी तो मैं पक्का दिखाऊंगा तुमको, पक्का लगाऊंगा इस व्लॉग में पक्का लगाऊंगा। और ये चीज़ अनएक्सपेक्टेड थी कि मेरे लाइफ से गाड़ी चली जाएगी, मेरे लिए बहुत खास थी सच में ये गाड़ी, मैं क्या ही बोलूँ यार। एक इंसिडेंट और बताता हूँ, भाई मैं हर्ष नोएडा आए थे उस टाइम, मतलब मैं कहीं से ऑन वगैरह नहीं कर रहा था, कोविड का टाइम तो सब कुछ ऐसा हो रखा था, वो तो सबका ही हो रखा था। तो मैं अपने फ्लैट से देखता था, हर्ष और मैं देखते थे, नीचे एक MG हेक्टर खड़ी रहती थी, पुराना वाला मॉडल था, तो हमें लगता था भाई ये तो बहुत ज़्यादा महंगी गाड़ी है, ये तो भाई कभी मतलब कभी जाके हम लेंगे ऐसी गाड़ी। और 2 साल के अंदर वो चीज़ मेरे साथ ऐसी हुई ना, मुझे पता भी नहीं चला मैं ये गाड़ी कब परचेज करके ले आया, कब मेरे पास ही मेरी जिंदगी में आ गई, मतलब यार सच में। बट आज सच में इसको बाय बोलना पड़ रहा है, बहुत बुरा लग रहा है, मेरे पास इतना कुछ हो रखा है ना गाइज बोलने के लिए, कि मैं क्या क्या नहीं बोलूँ आप लोगों को, क्या क्या नहीं शेयर करूँ, बट वीडियो सच में बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और अभी देखो टाइम भाई सुबह के 4:30 बज रहे हैं, मैं भाई ऐसे घूम रहा हूँ, हांड रहा हूँ, क्या ही बताऊँ भाई, लास्ट राइड करके भाई पागल हो रखो, क्या ही बोलूँ भाई। और सबसे ज़्यादा मज़ा पता है क्यों आता था मेरे को इसको चलाने में, ये थी वजह भाई, भाई ऐसे भागती है ना ये गाड़ी सच में, भाई सभी सच में ऐसे भागती है ना गाड़ी, और इतनी पकड़ है ना इस गाड़ी की, यकीन मानो कि भाई मैंने 200+ चलाई है अपनी ज़िंदगी में ये गाड़ी यार सच में, और इतनी स्मूथ चलती है ना ये, क्या ही बोलूँ यार। मैंने काफ़ी गाड़ियाँ चलाई मतलब, बट ये वाला एक्सपीरियंस, ये वाली मतलब ये स्मूथनेस गाड़ी में इतनी ज़्यादा नहीं मिली मेरे को, मतलब जो कम्फर्ट है ना इस गाड़ी में, और जो फील है लग्जरी फील, वो मेरे को किसी गाड़ी में मतलब इस प्राइस रेंज में मेरे बजट में मेरे को आज तक कभी नहीं मिला। बट फिर से बोलूँगा अनफॉर्चुनेटली जा रही हमारी रानी हमारे से दूर। तो अगर किसी को भाई ये चीज़ ऐसे लग रही होगी ना मैं ज़्यादा ड्रामेटिक हो रहा हूँ या कुछ भी है, लाइक एक गाड़ी ही तो थी, इतना क्या रोना धोना कर रहा है, तो मतलब यार मेरे लिए ये चीज़, ये सिर्फ एक गाड़ी नहीं है, गाड़ियाँ मतलब मेरे लिए ऐसा है ना, मेरा एक अचीवमेंट है मेरी लाइफ में, मतलब मेरे से कोई पूछता है तो लाइफ में देखो आगे क्या करना है, अपने लाइफ में क्या गोल्स हैं, लोगों का होता है भाई बड़ा बड़ा घर बनाना है, ऐसा करना है, या करना है, मेरा फर्स्ट एम रहता है भाई, मेरी कुछ पर्टिकुलर लिस्ट है गाड़ियों की, मैं कहता हूँ भाई मेरे को पहले वो चाहिए, वो चीज़ें चाहिए, मैं घर एक घर में ज़िंदगी काट लूँगा, बट मेरे को जो मेरी लिस्ट है ना गाड़ियों की, जो मुझे मतलब जो मेरी विश लिस्ट है ना गाड़ियों की, वो गाड़ियाँ मुझे अपनी ज़िंदगी में मेरे को अर्न करनी ही करनी है, मतलब मैं कैसे भी करूँ आई डोंट नो, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, आई विल ट्राई माई बेस्ट, बट मेरे को वो गाड़ियाँ चाहिए। और ये गाड़ी मेरे लिए अभी मतलब ये गाड़ी सच में मेरे लिए एक है, मेरे लिए प्यार है, ये इमोशन जुड़े हैं इस गाड़ी से मेरे, तो मेरे लिए एक पीस ऑफ मेटल नहीं है जो हमको इधर से उधर ले जाता है, ऐसा कुछ नहीं है मेरे लिए सच में,
मेरे सच में इतने गंदे इमोशंस है ना, मेरी कार्स, मेरी बाइक से लेके इन चीज़ों से लेके मेरे इतने गंदे इमोशंस है ना मेरे, कि मैं कुछ नहीं बता सकता। मैं इतना इंसान को प्यार नहीं करूँगा जितना मैं गाड़ी को प्यार करता हूँ। सच बताऊँ तो झूठ नहीं बोलूँ, दिल से ये बात बोलूँ, मैं इतना इंसानों को प्यार ना करूँ जितना मैं अपनी गाड़ी को प्यार करता हूँ। बिकॉज यार गाड़ी क्या मांगती है, गाड़ी धोखा नहीं देती, इंसान धोखा दे जाते हैं। मेरे को बहुत उन्होंने धोखा दिया जिंदगी में, अपनी जिंदगी की सच सच बातें निकल रही है मेरे मुँह से आज। और सच बताऊँ मेरी जिंदगी में मेरे को बहुत उन्होंने धोखे दिए हैं, जानने वाले देख भी रहोंगे जो भी, आई डोंट नो, बट ये कभी धोखा नहीं देती यार मेरे को। तो मेरे को इनसे बहुत ज़्यादा प्यार है सच में यार। बाय बाय गुड़िया, हेलो बाय, गुड बाय। कहीं फाइनली चली गई अब कोई नहीं, अभी फिलहाल भाई गंदे वाली नींद आ रही है तो मैं तो जा रहा हूँ भाई सच में सोने फिलहाल। बाकी अब उठूँगा जब भी दोपहर या शाम को उठता हूँ, फिर आपसे कुछ और चीज़ें हैं, कुछ और बातें हैं वो चीज़ें शेयर करता हूँ। मिलता हूँ यार आप लोगों से। सो गाइस देखा कि मैं सच में यार उस दिन सच में रोया था, मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गया था वो मोमेंट। बिकॉज मेरे लिए ये चीज़ सच में बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड थी ये गाड़ी, कि मैं मेरे को लगा, मेरे को नहीं पता था मैं इतनी मतलब इतनी महंगी गाड़ी अफोर्ड कर सकता हूँ, ना मेरे कोई प्लान्स थे। एक वीक के अंदर मैंने ऐसी अरेंज करके ऐसे खरीद ली, मुझे पता ही नहीं चला यार सच में ये मेरे साथ क्या हुआ लिटरली। तो मेरे अपने आप ही आंसू गिरने लगे थे जब मैं शोरूम में पहुँचने लगा था ना सच में। मैंने कहा यार शेयर करना बनता है आप लोगों के साथ, बिकॉज आप भी फैमिली हो, तो मैंने कहा यार ये शेयर करता हूँ ये चीज़। बाकी पूरा दिन आज सच में यार मैं पूरा दिन सोया हूँ, मैंने कुछ काम नहीं करा, मैं कहीं नहीं गया, पूरा दिन बस पढ़ के सोया। अभी फिलहाल टाइम हो रहा है 11 बज रहे हैं और अब बैठ के बस एडिटिंग ही कर रहा था। और काफ़ी लंबा व्लॉग हो चुका है तो इस व्लॉग को यार इतना ही रखते हैं। आप भी कहोगे सच में अब तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसका पखा रहा है ये बैठ के, तो इसको इतना ही रखते हैं। अगर आपको आज का मेरा व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। टिल देन मिलते हैं अगले व्लॉग में। Thank you.